तो हमारा आज का टॉपिक जो है मेरे बच्चा वो है बायोंसी एंड फ्लोटेशन। देखिए भाई साहब, इतने बड़े बड़े शिप होते हैं, इतने बड़े बड़े शिप होते हैं जिसके ऊपर हम बैठ के आराम से सफर करके कहीं भी पहुंच जाते हैं, और इतना हमें इन पे कॉन्फिडेंस है इनके डिजाइन पे कि ये नहीं डूबेगा, और बहुत कम चांसेस होते हैं कि डूबता है। चलो एक्सीडेंट अलग चीज है कि भाई साहब एक्सीडेंट भी होते हैं दुनिया में, कोई बड़ी बात नहीं है। डिजाइन इतने परफेक्ट कि वो प्रॉपर तरीके से फ्लोट करते हैं, तो ये करते कैसे है? एक वर्ड आता है बेटा बायोंसी, ठीक है, कोई इसको बायोंसी बोलता है, कोई बायोंसी बोलता है, जो भी आप बोलना चाहें, ठीक है, बायोंसी। अब ये होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा विचार विमर्श कर लें कि ये होता क्या है, बायोंसी होता क्या है। भाई साहब अगर मान लीजिए मेरे पास एक पानी हो, ठीक है, पानी हो हमारे पास, और इस पानी में मैं कहूं कि हम कोई बॉल है हमारे पास, ये मेरे पास पानी है बेटा, इसके अंदर पानी है, और इसके अंदर मैं अगर बॉल को डालता हूं, यहां देखते हैं, बॉल को डालता हूं तो ये फ्लोट कर रही है बेटा, ये क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है। अगर मैं इसको नीचे दबाता हूं, नीचे दबाता हूं तो ये ऊपर आ जाती है। ओ माय गॉड, जंप देखा इसका, ओह ये साला अंदर भूत है क्या, इसके अंदर भूत है क्या, कौन धक्का मार रहा है इसको, ये देख मैंने, ओ ये कौन है नीचे, कोई है क्या नीचे, मैं नीचे देख रहा हूं नहीं कोई नहीं है, ये कौन धक्का मार रहा है इसको, ओ मारा, और ये तो नीचे गिर गया, इतना बड़ा जंप ये किसने किया, ये किया भाई साहब बायोंसी फोर्स ने, ये किसने किया, ये बायोंसी फोर्स ने किया है। तो हमारे पास अगर मान लीजिए कि यहां पे पानी है, जैसे एक कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, मान लीजिए बॉल ही है, मान लीजिए बॉल है, चलो बॉल मान लेते हैं, ठीक है, इस बॉल जब नीचे जाएगी तो वेट ऑफ, देखो दो चीजें हैं इसके अंदर आपको समझनी पड़ेंगी बड़े ही ध्यान से, कि हमारे पास वेट जो होगा वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, वेट जो होगा बॉडी का वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, लेकिन हमारे पास एक फोर्स है जो इसको अपवर्ड लेके जा रही है, ठीक है, जो फोर्स हमारे पास है वो इसको ऊपर की ओर धक्का मार रही थी, जैसे मैंने बोला ना बॉल वाले केस में, तो ये ऊपर की ओर जो लेके जाएगी उसको कहेंगे बेटा बायोंसी फोर्स, ऊपर की ओर लेके जाएगी, ठीक है, ऊपर की ओर लेके जाएगी उसको कहेंगे बायोंसी फोर्स। तो ये जो है ये क्या है, बायोंसी फोर्स, एफ बी लिख दूंगा मैं इसको बेटा, ठीक है, क्या लिख दूंगा, एफ बी, ठीक है, इसको आप लिख लेना, इसको इतना जो है हमारे पास वो क्या है, वेट ऑफ द बॉडी, ये क्या है हमारे पास, वेट ऑफ द बॉडी, W, वेट ऑफ द बॉडी। तो मेरे पास मेरे बच्चे हमने क्या किया है, पहले तो उस बायोंसी फोर्स समझा है कि बायोंसी फोर्स होता क्या है, लेकिन मेन बात ये आती है कि भाई साहब क्या करना है, करना क्या है इसमें, देखो आपको दो फोर्स दिख रही है, एक फोर्स है हमारे पास ऊपर जाने वाली और एक फोर्स है नीचे जाने वाली। अगर ये दोनों इक्वल आ जाए तो रस्साकसी की गेम क्या होती है, रस्साकसी की गेम में हमारे पास यही है कि एक फोर्स हमारे पास इधर है, एक फोर्स इधर है, दोनों अगर बराबर हो गए कोई नहीं जीतेगा, वो चीज इक्विलिब्रियम में होगी। इसको अगर इक्विलिब्रियम में लाना चाहते हो तो हमारे पास जो ऊपर जाने वाली फोर्स है वो क्या है, बायोंसी फोर्स, वो इक्वल होनी चाहिए वेट ऑफ द बॉडी के, वेट ऑफ बॉडी के, ठीक है, हमें ये दिख रहा है अभी तक, हमें क्या दिख रहा है कि बायोंसी फोर्स जो है वेट ऑफ द बॉडी के इक्वल होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बायोंसी फोर्स है कितना वही नहीं पता लगा हमें, हमें बायोंसी फोर्स निकालने कैसे, ये सबसे बड़ी दुविधा आ गई। तो इसके लिए बड़ा ही सिंपल सा मेथड है, मान लीजिए कि एक छोटे सा टॉय है, मान लीजिए ये टॉय है, कोई बतख है, ठीक है, और ये पानी में तैर रही है, अब ये क्या कर रही है, फ्लोट। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो फोर्स है, जो वेट ऑफ ग्रेविटी है, वो इक्वल आ रहा है किसके, बायोंसी फोर्स के। तभी ये यहां पे रुकी हुई है, वेट ऑफ द बॉडी इक्वल हो रहा है बायोंसी फोर्स के। लेकिन अब बायोंसी फोर्स कहां है और कितना है वो देखने के लिए क्या करें, एक चीज नोट करो बेटा, जब भी आप ऐसे करते हो कि पानी है, मान लीजिए मैं एक सिंपल सी बात करता हूं, ये देखिए, ठीक है, बड़े ही सिंपल से वे से हम समझ लेंगे।
अगर मान लीजिए हमारे पास पानी है, यहाँ पे पानी है, अगर मैं कोई चीज डुबाता हूं इसके अंदर, तो आप एक चीज नोट करेंगे, पानी ऊपर आ जाता है, पानी ऊपर आ जाता है, ये चीज नोट करते हो आप। ये देखो नीचे चला गया और ये पानी ऊपर आ गया, ये नीचे चला गया, ये तो आप करते हो ना, पानी में हाथ भी डालते हो तो भी पानी ऊपर की ओर आता है, पानी ऊपर की ओर आता है, थोड़ा सा पानी जो है ऊपर की ओर आता है, इसको कहते हैं हम कि वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, कि पानी हमने कितना साइड किया है। ये जब ये कोई बॉडी अंदर जाएगी तो ये ऊपर की ओर वेट कर लाएगी, मतलब पानी जो है ऊपर की ओर आएगा, पानी वो कितना डिस्प्लेस किया उसने, इतना पानी डिस्प्लेस किया, कितना, जितना इसकी शेप अंदर डूबी है, ये देखो इतनी डूबी है, ये देखो इतनी डूबी है ना, तो इतना ही पानी उसने डिस्प्लेस किया है, इतना ही पानी उसने डिस्प्लेस किया है, तो इसको कहते हैं हम वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। हमारे पास होगा क्या, ये देखो इस पानी का हम क्या करेंगे, वेट करेंगे बेटा, पानी का वेट करेंगे, तोलेंगे उसे, तोलेंगे, तो इस जितना ये पानी है उसका वेट कितना है, वही बायोसी फोर्स होता है। इस पानी का वेट करेंगे, अब तोलेंगे थोड़ा ना, असल में थोड़ा तोलेंगे, असल में थोड़ा ना तोलेंगे, असल में हम थोड़ा ना तोलेंगे बेटा, हमें तो पानी, मैंने आपको बोला था चुल्लू भर पानी का भी वेट निकाल सकते हो आप, छोटे से पानी का भी वेट निकाल सकते हो, कैसे, स्पेसिफिक वेट क्या होता है, स्पेसिफिक वेट होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम ये क्या है, ये एक मीटर क्यूब में कितना वेट आ रहा है, एक मीटर क्यूब में कितना मीटर क्यूब है उससे गुणा कर लो, तो हमारे पास W इंटू वॉल्यूम कर दे, वॉल्यूम कर दे, और ये क्या है रोजी, रोजी इंटू वॉल्यूम, रोजी इंटू वॉल्यूम, कितना हमारे पास पानी है, ये है पानी, वो पानी है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, और ये पानी है तो पानी की डेंसिटी, पानी की डेंसिटी, और ये हमारे पास निकल के आएगा वेट, ये हमारे पास वेट निकल के आ जाएगा, तोलेंगे थोड़ा ना, हम इतने अनपढ़ नहीं है, इतने अनपढ़ नहीं है इसको पानी को तोलने लग जाए, पानी को तोल, लेकिन अगर सोचा जाए कि इस पानी को अगर तोलेंगे तो यही बायोसी फोर्स होती है बेटा, यही बायोसी फोर्स होती है, और ये अगर पानी का वेट, ये अगर पानी का वेट हमारा बराबर आ जाए बतख के वेट के, हमारा आ जाए बतख के वेट के बराबर आ जाए, तो भाई साहब हम तैर गए, हम तैर गए, बात समझ आई, हम तोलेंगे तो इसके वेट के बराबर रख लेंगे तो हमारा काम खत्म हो जाएगा, तो हम कहेंगे बाबा चलो जी बायोसी फोर्स हो गया। तो ये क्या है बायोसी फोर्स, और ये क्या है वेट, इन दोनों को इक्वल कर दो वेट तो हमारी चीज तैरेगी। अब देखो आगे, अब देखो आगे, ठीक है, अब देखो आगे, इसी में ये देखिए चम्मच डूबा हुआ है, ये रहा चम्मच डूबा हुआ, चम्मच ने कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है, हमने उतना पानी ले लिया जितना डिस्प्लेस किया है, दूसरी तरफ चम्मच रख दिया, देखिए चम्मच हैवी था, चम्मच हैवी और वॉल्यूम जितना पानी का डिस्प्लेस किया, उस पानी का वेट जो है कम है, इसलिए चीज डूब गई, इसलिए चीज डूब गई। तो हमें तो बस सिंपल सी बात समझिए बेटा, रस्सा कस्सी की गेम, ये अगर ज्यादा हो गया, कौन, वेट अगर ज्यादा हो गया, वेट ज्यादा हो गया तो चीज डूब जाएगी, अगर दोनों बराबर आ गए, एफ बी के बराबर हो गए दोनों, वेट और एफ बी, तो तैर जाएगी, सिंपल सी कहानी है। बॉडी इमर्स्ड अंदर, मतलब पानी के अंदर या फ्लूइड के अंदर इमर्स करती है, इमर्स्ड either partially or fully, मतलब या तो आधी डूबती है या पूरी पूरी डूब जाती है, ठीक है, fully the net vertical upward force, ठीक है, अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन द बॉडी, एक्सर्टेड बाय फ्लूइड ऑन बॉडी
ऑन बॉडी इज नॉन एज ठीक है नॉन एज बायोंसी फोर्स ठीक है उसको क्या कहेंगे बायोंसी फोर्स एंड दिस बायोंसी फोर्स इज इक्वल टू एंड this bouncy force is equal to the weight of fluid displaced ओके कितना आपने फ्लूड डिस्प्लेस किया है उसके वेट के बराबर होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल ठीक है बेटा तो इसको हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल कह देते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो एक बार लाइक का बटन दबा दें यार और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको समझ आया या नहीं आया। और अगर आप एसएससी जेई की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।